कोरबा के तीसा विकास खंड कार्यालय में पिछले 5 महीने से अधिकारी का पद खाली था, जिसके चलते लोगों को परेशानियां हो रही थी। वहीं 5 महीने बाद सरकार ने इस पद को भर दिया है। पांगी के रहने वाले महेश चंद्र ठाकुर ने बतौर खंड विकास अधिकारी पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने के बाद महेश चंद्र ठाकुर ने अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि यहां की 53 पंचायतों में सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी और उसके बाद इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक की श्रेणी में आता है, इसलिए यहां दोगुनी तेजी से कार्य किए जाएंगे। साथ ही अगर पंचायतों में बेहतरीन कार्य नहीं किया जाएगा तो उन पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। बेसिकली मैं पांगी से संबंधित हूँ और आज मैंने विकासखंड तीसा में आज ज्वाइन किया है। विकासखंड तीसा जो है भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी दुर्गम भी है और काफ़ी विस्तृत विकासखंड है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि 53 पंचायतें इस ब्लॉक के अंतर्गत आती है तो हर एक पंचायत में जो भी जनहित के कार्य, जो भी सरकारी योजनाएँ चल रही है उनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने की कोशिश करूंगा और साथ में हर पंचायत में विजिट करूंगा कि कामों की जो कार्य है वो अच्छे ढंग से क्रियान्वित हो सके। जैसे कि सरकार द्वारा विकासखंड तीसा को आकांक्षी विकासखंड घोषित किया है तो जो भी सरकार की तरफ से जो भी इंडिकेटर्स है वो भी सफलतापूर्वक उनको पूर्ण करने की कोशिश करूँगा। विकासखंड वासियों से जो भी किसी कार्य को लेकर जो भी शिकायतें आ रही है उनका भी बिल्कुल निर्धारित समय अवधि में उनका जो है निपटारा किया जाएगा और उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल 5 महीने इंतजार करने के बाद आखिरकार खंड विकास अधिकारी महेश चंद ठाकुर की तैनाती की गई है। वहीं उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट।